अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर 99 विद्यार्थियों को स्नातक, 100 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 56 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही 83 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नई शिक्षा नीति लाए हैं, इसमें वेद और विज्ञान की शिक्षा के समन्वय का संदेश है। वहीं महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा का संदेश भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि आज पूरा देश अपने आप को सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करता है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। ऋषिकुल मैदान से प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य का भी शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 95 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी में जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी किया। अब राज्य में न्याय पंचायत और ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को तमाम सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।